नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे जो सुरक्षित पोर्टफोलियो, सबसे सेफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाने का जो राज है लॉन्ग टर्म में, वो है सेफ पोर्टफोलियो बनाने में। अगर आपका पोर्टफोलियो सेफ नहीं है तो फिर आप जो है लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं कमा सकते हैं। तो सबसे सेफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इसी को इस वीडियो में हम जानेंगे। कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जिससे आपका पोर्टफोलियो जो हमेशा सेफ होगा। देखिए, यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, टेक्निकल चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ कंपनी का जो बिजनेस है उसको भी डिस्कस करेंगे। किस कंपनी का बिजनेस क्या है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, बिजनेस को अच्छी तरह से जानना, उसके फंडामेंटल को जानना, कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए, तब टेक्निकल चार्ट हम उसको फॉलो करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा ये सारे स्टॉक्स। देखिए, इस वीडियो में जो हम सेफ पोर्टफोलियो आपको बताने जा रहे हैं, इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सा स्टॉक। और आपको अगर कोई दूसरा मार्केट में ऐसे स्टॉक देखते हैं जिसका मोनोपोली हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि नए लोगों को इससे सहायता मिल सके अपने पोर्टफोलियो को बनाने में। एशियन पेंट, जो एशियन पेंट का जो प्रोडक्ट है वो हमारे मार्केट को लीडर है। कोई भी पेंट हो, सबसे पहले हम कहा किसी भी शॉप पर आप जाएंगे तो सबसे पहला जो पेंट आपको दिखेगा वो एशियन पेंट का होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो काफी जबरदस्त है और मार्केट लीडर है इसका प्रोडक्ट। तो जब इसका प्रोडक्ट इतना खूबसूरत है तो निश्चित है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके आपको देगा। तो ये जो स्टॉक्स है काफी बेहतरीन है, काफी सॉलिड स्टॉक है, और इसका जो पेंट है उसके लिए जो कस्टमर ये डिफाइन करता है वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड। एशियन पेंट जो है अपने टेक्नोलॉजी के आधार पर डिस्कस करता है कि कौन से रीजन में उसका कौन सा प्रोडक्ट जो है अच्छा सेल होगा, कौन सा कस्टमर उसको ये होगा। तो इसी टेक्नोलॉजी की सहायता से एशियन पेंट का जो बिजनेस है वो कस्टमर बेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ इसका जो डीलरशिप है वो अपना है, जिस शॉप को जब पेंट का जरूरत हो, एक दिन में चार बार जरूरत हो, तो इसका जो अपना डिलीवरी है वहाँ डिलीवरी पहुँचाता है शॉप पे। कई सारी यूनिक फीचर हैं जिसके कारण इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो निश्चित है आने वाले 10 साल तक मार्केट को लीड करेगा। तो वैसे ही स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जो लग रहा है आपको आने वाले 10 साल तक ये बिजनेस सर्वाइव करेगा और ये अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो पहला हो गया एशियन पेंट, और चार्ट पर यहाँ पर देख लीजिए, ये 20 मूविंग एवरेज, देखिए कभी भी ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड नहीं किया है। तो जब ये टेक्निकल चार्ट पर आपको दिखा रहा है कि ये 20 मूविंग एवरेज पर कभी भी वीक नहीं हुआ है, देख सकते हैं इसके नीचे कभी भी ये ट्रेड नहीं किया है स्टॉक। तो कभी भी आप चाहें तो गिरावट में, जब भी 20 मूविंग एवरेज के पास आए आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो सिर्फ उस समय ब्रेक किया, नहीं तो देख सकते हैं ओवरऑल ये हमेशा काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है और अपने इन्वेस्टर को। तो पिछले 10 साल में ये यहाँ 2008-09 में जो ब्रेक किया जो फाइनेंशियल क्राइसिस पे, उसके बाद ये कभी भी जो 20 मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर देखिए नीचे आया, लेकिन यहाँ इस जो है सस्टेन नहीं किया, ये अगले ही कैंडल में ऊपर चला गया। आप देखते चाहिए कभी भी ये ब्रेक नहीं किया। देखिए 2020 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें तो ये इसके नीचे क्लोज भी नहीं हुआ 20 मूविंग एवरेज के। तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक जब भी आपको गिरावट मिले तो आपको इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए एकदम बेफिक्र होकर के बने रहना है। ये स्टॉक आपका वेल्थ अच्छे से क्रिएट करके आपको देगा। अगला है हमारा पिडिलाइट इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन, फेविकॉल, फेविक्विक, जो इसके प्रोडक्ट है वो काफ़ी सॉलिड हैं। अगर कोई भी दूसरा भी आपको लकड़ी चिपकाने वाला कोई भी दूसरा भी एडहेसिव आ जाए, अगर लकड़ी चिपकाने वाला कोई दूसरा भी प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन हम उसे फेविकॉल नाम से ही बुलाएंगे कि फेविकॉल ले आओ, लकड़ी को चिपकाना है, तो लकड़ी को चिपकाने के लिए जो हम फेविकॉल है इसका प्रोडक्ट जो हर किसी के माइंड में सेट हो चुका है। जैसे आप बात करें बुलेट बाइक, बुलेट बाइक क्या है, सबके माइंड में ये हो चुका, बैठ चुका है कि हमें एक बुलेट बाइक लेना है और एकदम जो है रॉयल सवारी करना है, एकदम रॉयल रूप से हमें घूमना है, जम्मू कश्मीर घूमना है, सारी जगह घूमना है। तो यही बात है, जो पिडिलाइट इंडस्ट्री है काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और देखिए ये भी 20 मूविंग एवरेज को कभी भी ब्रेक नहीं किया, देख सकते हैं कभी भी ये 20 मूविंग एवरेज जो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं 2008 के क्राइसिस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसी में ये जो स्टॉक है आपको जो पहले एशियन पेंट बताया और पिडिलाइट, दोनों यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को मात्र 2008-09 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ब्रेक किया है। उसके बाद अगला है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, इसको भी आप चाहें तो
लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो बिस्किट्स हैं ब्रिटेनिया बिस्किट में गुड डे बिस्किट सारे मार्केट को लीड करते हैं। मैं भी गुड डे बिस्किट काफ़ी दिनों से खा रहा था, लेकिन ये भी नहीं जान रहा था ब्रिटेनिया का वो है। पिछले साल ही मैंने देखा उस पर, तो ब्रिटेनिया का ये प्रोडक्ट है। और आप समझ सकते हैं इसके जो प्रोडक्ट हैं वो भी मार्केट को लीड करते हैं। मतलब हर किसी के माइंड में सेट है कि बिस्किट लेना है तो ब्रिटेनिया का लेना है, गुड डे लेना है। तो इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के जो कि मार्केट को लीड करते हैं। तो ये स्टॉक भी एक मोनोपोली करता है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर जो 2020-19 में है ये अपने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके काफ़ी नीचे सस्टेन किया है, ये स्टॉक सस्टेन किया है। लेकिन और जो स्टॉक आपको पहले दो बताए थे वो कभी सस्टेन नहीं किया था। ये देखिए ये तो 2008-09 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं किया है, सही से देख सकते हैं। यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं कि 2008-09 में भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस जस्ट नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और अभी काफ़ी अच्छे वैल्यू पे उपलब्ध है, देखते हैं 20 मूविंग एवरेज के पास ही उपलब्ध है। अगर यहाँ से गिरता है तो 100-200 पॉइंट और ज़्यादा गिर सकता है, तो और बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो ये अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे उपलब्ध है, जब भी यहाँ थोड़ा सा भी गिरावट में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगला है HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक ये तो कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं करता, क्योंकि दूसरे भी बैंक है जो कि अच्छे खासे हैं इससे, कोटक बैंक भी हमारा इसी टक्कर का है। लेकिन दोस्तों जो HDFC ग्रुप है वो टाटा ग्रुप के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें HDFC जो है वो पेरेंट कंपनी है और कई सारी कंपनियों में HDFC बैंक का भी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से इस ये जो ग्रुप है उसमें कई सारी जॉइंट वेंचर है HDFC बैंक के। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि HDFC बैंक काफ़ी एक स्टेबल कंपनी है और मार्केट में इसके काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। मतलब इसकी जो ग्रुप ऑफ कंपनियाँ हैं वो जो भी बिजनेस में वहाँ से जो भी बेनिफिट्स होगा, मतलब जो भी कस्टमर बेस होगा वो किसको देगा, HDFC बैंक को। तो इसलिए ये कंपनी भी अपना एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करता है। मतलब अगर आप बैंक में चूज करना करने के लिए बोला जाए कि सारे बैंक को आप एक बैंक किसे चूज करेंगे, तो ऑप्शन ये है कि आप या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज करेंगे या तो HDFC बैंक को। लेकिन SBI के शेयर में तो हमें कुछ लॉन्ग टर्म में खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो PSU सेक्टर के स्टॉक है, तो उसे ज़्यादातर जनता को सेवा प्रदान करने के लिए देखा जाता है, जबकि HDFC बैंक अपने शेयर होल्डर के लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है उसमें जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो चाहे किसी भी तरह का पैंडमिक हो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये लगभग 1400-1300 का स्टॉक और यहाँ पर आ गया था 700 पे, तो बड़ी गिरावट आया लेकिन रिकवरी भी उतनी ही फास्ट। फिर 2009 में ये बहुत ही देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट हुआ था, इसमें 180 रुपीज से ये गिर करके आ गया था 80 रुपीज पे और वहाँ से रिकवरी उतनी ही फास्ट। बस कोई एक बड़ा पैंडमिक आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, बस उसी समय ये स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, नहीं तो ये भी स्टॉक देख सकते हैं चार्ट पे काफ़ी सॉलिड है। और देख सकते हैं जब भी गिरावट आए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। बस कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो चाहे कोई भी आने वाला हो तो आपको जैसे लगे तो आप इसमें जितना चाहे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि उस समय के बाद स्टॉक काफ़ी आपको चीप वैल्यू पे उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो कुछ भी देखते हैं बहुत बड़ी गिरावट होती है। अगला है रिलायंस। रिलायंस बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये सारे जो स्टॉक है कभी सेल करने वाले नहीं, एक बार आपने ले लिया बस अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये चीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मैंने सीखा कि ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी मतलब बेहतरीन है, जब जितना गिरे उतना ज़्यादा आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे जो स्टॉक जो बता रहे हैं आपको, ये सारे ऐसे स्टॉक है जिसको आप एक बार बाय कर लिए और खास करके जब आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आपको बेचना नहीं, उसको कंपाउंड होने के लिए समय देना है। कुछ जैसे 5 years 10 years हो जाएंगे तब आपको वो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो आपको दिखाएगा। जैसा कि हम कई सारे वीडियो में आपको बताए रहते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक कब दिखता है लॉन्ग टर्म में, तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो यह देखिए ये स्टॉक थोड़ा सा जब चलता है तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलता है, और जब यहाँ पर देखिए यहाँ से कंसोलिडेट हुआ तो लगातार कई सालों तक, लगभग 2008 से लेकर के देखिए 16 तक, इतने लंबे समय तक ये इसी प्राइस रेंज में कंसोलिडेट होता रहा और उसके बाद फिर से यहाँ देखिए मोमेंटम पकड़ा तो ज़बरदस्त मोमेंटम ये स्टॉक कर रहा है। इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, देखिए इस स्टॉक सिर्फ एक जियो मात्र कंपनी नहीं है, इसका पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है और कई सारी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, TV18, Network18, वो सारे कंपनियों की पेरेंट कंपनी रिलायंस है।
तो आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये स्टॉक निश्चित है कि 10 साल तक आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो 10 साल जब कंपाउंड होगा आपका इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो ये सारे स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें आप आराम से इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगला है हमारा डीमार्ट। डीमार्ट भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और अभी जो रिसेंट टाइम में जो अच्छी कंपनियां लिस्ट हुई है उसमें से एक है डीमार्ट। आप डीमार्ट में जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी बिजनेस मॉडल जो है काफ़ी सॉलिड है। देखिए रिटेल सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन इसका जो बिजनेस मॉडल है, इनकी अपना मॉल है, अपना मतलब जो ज़मीन है वो अपना खरीदते हैं, प्रॉपर्टी अपना खरीदते हैं, फिर उस पर अपना मॉल बनाते हैं, फिर उसमें अपना प्रोडक्ट भी बेचते हैं और साथ साथ दूसरी कंपनियों पे। तो यूनिक बिजनेस मॉडल है, काफ़ी सॉलिड स्टॉक है। जब भी गिरावट मिले आप इसमें बाय करते देखते, ये भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी नहीं आया है। तो जब भी 20 मूविंग एवरेज के पास मिलता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे जो स्टॉक है, इसमें सारे के सारे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हैं। अभी मैंने इधर लाल पैथ लैब, डीमार्ट, इस सब को ऐड किया है, तो आप भी ऐड करते रहिए जैसे जैसे गिरावट मिलता है उस समय। तो अगला स्टॉक हमारा लाल पैथ लैब भी है। देखिए डायग्नोस्टिक लैब में और भी कई सारे लैब हैं, लेकिन लाल पैथ लैब जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड एक लैब है, इसलिए बता रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसलिए ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए ये स्टॉक यहाँ से जब लिस्ट हुआ तो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ा सा गिरावट तो देखने मिला, लेकिन यहाँ 2017 से जब ये स्टॉक परफॉर्म करा देखते हैं, कभी भी ये पीछे मुड़कर ये स्टॉक नहीं देखा। देखिए ये जो पैंडमिक आया था इसमें भी गिरावट आया, तो 20 मूविंग एवरेज को भी ये ब्रेक नहीं किया। तो इतना ज़बरदस्त स्टॉक है, तो हर गिरावट में आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड एक डायग्नोस्टिक लैब है और ये धीरे धीरे एक इंटरनेशनल ब्रांड बनने जा रहा है ये स्टॉक। अगला हमारा IRCTC। IRCTC को हमने पहले भी चर्चा किया था, ये तो काफ़ी सॉलिड स्टॉक है। देखिए इसका ट्रेंड लाइन भी देखिएगा, तो काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन बनाया है और कभी भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। देखिए नीचे की ओर अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, ऊपर जो है ये ब्रेकआउट के रीजन में है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि फिर से ये स्टॉक आपको तब नीचे आता हुआ देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो ये स्टॉक आपको 5000 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। अगला स्टॉक है हमारा आयसर मोटर। आयसर मोटर भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि जो इसकी बुलेट बाइक है वो हमारा क्या है, एक मतलब एक इच्छा होता है कि हम भी बुलेट बाइक से चलें। तो हर जो युवा लोग हैं उनकी पहली पसंद होती है कि हम बुलेट खरीदें। तो जब तक ये क्रेज बना हुआ है युवाओं में, जो क्रेज है, तो निश्चित है कि ये कंपनी का जो क्रेज है, युवाओं का जो पसंद है, उसके कारण ये अपना मोनोपोली क्रिएट करता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। तो जब प्रोडक्ट का डिमांड इतना है मार्केट में, निश्चित है ये स्टॉक आपको आने वाले समय में काफ़ी बेहतर रिटर्न क्रिएट करके देगा। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ऑटो सेक्टर जो कभी कभी अंडर परफॉर्म रहते हैं, तो वहाँ पर स्टॉक में आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिलेगी। देखिए यहाँ पर स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ था, तो यहाँ पर आप जो है बाय कर सकते थे। तो जब गिरावट हो तब यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करना है, मतलब बाय ऑन इन्वेस्टमेंट करना है। और 20 मूविंग एवरेज से नीचे जब है तो चुपचाप पहले आप इसको गिरने दीजिए, अपना बॉटम बनाने दीजिए। तो जब ये अपना बॉटम बना लेता है तो बॉटम पे इन्वेस्ट कीजिए, या तो जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करता है तो इन्वेस्ट कीजिए। देखिए ये यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाया था, देखिए ये ट्रेंड लाइन बना है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ये ब्रेक किया यहाँ से तो 2000 रुपीज़ के प्राइस पे, तो देखिए वहाँ से ये लगभग 1000 रुपीज़ मतलब 50% ऊपर तक का मोमेंटम दिखा चुका है। तो जैसे ब्रेकआउट हो तब कीजिए, या यहाँ पर बॉटम बना ले तब इन्वेस्ट कीजिए। तो दो में से एक, या तो बॉटम पे इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तब इन्वेस्ट कीजिए। ये अगला स्टॉक है हमारा नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। क्यों ज़बरदस्त है? क्योंकि मैगी जो इसके ब्रांड है, क्या मार्केट में कोई ऐसा नूडल है जो मैगी से ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा हो, वैसा कोई भी ब्रांड नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग किसे पसंद करते हैं? मैगी को खाना। तो मैगी किसकी ब्रांड है? नेस्ले का। तो जो नेस्ले है वो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट को लीड करते हैं। तो जब मार्केट को लीड करने वाले ऐसे प्रोडक्ट हैं तो निश्चित है कि ये कंपनियां आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि जब तक इसके प्रोडक्ट को कोई बीट नहीं कर देता तब तक आप इस शेयर में बने रहिए, अच्छा खासा ये रिटर्न क्रिएट करके देगा। जो भी स्टॉक हम इसमें बता रहे हैं, अगर इसको कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट इस कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में बीट करता है, तो फिर आपको उस कंपनी पर वेट लगाना है जो कंपनी इसको बीट कर रहा है। तो जो जिसको बीट कर दिया उस पर दाव लगाइए। अभी ये कंपनी मार्केट के लीडर हैं तो हम इसके साथ चलेंगे,
अगले 5 साल 10 साल जितने समय तक ये मार्केट में इसके प्रोडक्ट लीड करता रहेगा तब तक हम इस स्टॉक के साथ रिटर्न कमाएंगे। अगला है रिलैक्सो। रिलैक्सो भी अभी देख सकते हैं कि बाटा जो है उसको बीट कर चुका है और वो प्राइस रिफ्लेक्शन आपको यहाँ चार्ट पे भी दिखे। देखिए चार्ट पे यहाँ दिखा रहा है कि मात्र ये 20 रुपीज का स्टॉक था और 20 रुपीज 10 रुपीज से ये 1100 तक का जर्नी कर चुका है। अपना जो दाव लगाना है वो इस तरह के कंपनियों पे लगाना है जो कि मार्केट को लीड कर रहा है, तो इसके प्रोडक्ट जो है मार्केट को लीड कर रहे हैं, तो आप इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कीजिए और अच्छा खासा रिटर्न कमाइए। तो ये सारे स्टॉक थे जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है और आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के आप और सारे स्टॉक, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसमें से आपको कौन सा स्टॉक सबसे बेहतरीन लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।